देखिए हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो कि डी मोर्गनस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, डी मोर्गनस थ्योरम के चैप्टर से। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड ऑल द रूट्स, रूट्स सारे निकालने किसके, -1 to the power 1/7 का, ठीक है। तो 7 रूट्स निकलेगा इसमें, तो इसका रूट्स निकालना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ, सारे वैल्यूज मीन सारे रूट्स ही निकालना है, 1 + i तो होल टू द पावर 1/3 का, एंड इवेल्युएट देयर प्रोडक्ट, और जो रूट्स निकलेगा उसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी निकालना है। ओके तो देखिए कि इससे रिलेटेड हम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक, डी मोर्गनस थ्योरम भी पढ़वा चुके हैं, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे -1 का जो वैल्यूज होता है डी मोर्गनस थ्योरम में, तो क्या होता है -1 का जो वैल्यू है वो होता है cos π + i sin π। ये कैसे हुआ, तो cos पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है और i sin का वैल्यू 0, तो ये हमारा -1, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ओके और 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है cos 0 + i sin 0 होता है, ठीक। cos 0 मीन्स इसका जो वैल्यू होता है cos 0 का वो 1 होता है, i sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिंपल वैल्यूज, ठीक, वैल्यूज निकालेंगे तो 0 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री पे, तो ये -1 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम खुद से लिख सकते हैं क्या कि cos 2n π + π हम खुद से लिख सकते हैं, +i sin क्या है 2n π + π इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाई की जगह पे क्या कर सकते हैं, पाई से एडिंग करवा सकते हैं 2n π को, यहाँ पे भी साइन वाला में भी 2n π, मतलब सेम सेम एडिंग होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी 0 लंबी होगा, तो चलिए इसी का यूज़ करके फिर हम इसका वैल्यूज लेके आ जाएंगे, ठीक। 7 रूट्स निकलेगा, रूट्स निकालना है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है कि v है हमारे पास, क्या है -1 का वैल्यूज है, ठीक है। -1 का वैल्यू क्या है cos π + i sin π, ये -1 का वैल्यू हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं cos 2n π + π, ओके, +i sin 2n π + π, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब पाई यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, बोस में पाई है तो पाई यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2n + 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई +i sin 2n + 1, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, ओके, ठीक। अब देखिए क्या कि -1, ठीक है, तो -1 का वैल्यू ये हमारा, तो -1 to the power 1/7 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए -1 to the power 1/7, तो 1/7 यहाँ पे हम इसका पावर इधर लें तो इधर भी तो पावर 1/7 आ जाएगा इसका, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2n + 1 और पाई +i sin 2n + 1 और ये हमारा पाई, तो होल टू द पावर क्या 1/7। जब हम इधर ले रहे हैं इस साइड LHS में, तो RHS में भी लेंगे सेम टू सेम, निकालना में इसका वैल्यू। तो देखिए क्या होता है डी मोर्गनस थ्योरम में, क्या होता था कि जो पावर है वो एंगल के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाता था ना, यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बोस में, इसमें भी हो जाएगा, कॉस वाला में भी और साइन वाला में भी हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो होगा वो होगा हमारे पास क्या कि cos 2n + 1, अब बाई में यहाँ पे 7 लिखते हैं और यहाँ पे पाई लिखते हैं, +i sin 2n + 1 और बाई में यहाँ पे 7 और दिस इज पाई, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब हमें निकालना है रूट्स, तो क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1/7 है, तो 7 रूट्स निकलेगा, तो n की जगह पे हम पुट करने वाले वैल्यूज क्या, 0 से लेकर 6 तक, तो 7 रूट्स निकल जाएगा ना हमारा, 0 से लेकर 6 तक पुट करेंगे तो 0 1 हो जाएगा और उधर 6, तो 7 रूट्स निकलेगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर n इक्वल टू, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक पुट करेंगे, ठीक। देन देखिए इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर कहाँ पे पुट करना है, इस नीचे वाले में पुट करना है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए इसमें पुट करना है वैल्यूज, फाइनली जो हमारा रिजल्ट है उसमें पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द 7 रूट्स आर, 7 रूट्स क्या हो जाएगा, तो हम डिनोशन करते हैं एक्स नॉट से पहले, ठीक है, फर्स्ट रूट जो हमारा निकलेगा वो एक्स नॉट रखेंगे उसको, फिर सेकेंड में एक्स वन,
एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स तक चला जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा सिक्स तक पुट करना है, तो यहाँ पे नॉट से स्टार्ट करेंगे, सिक्स तक चला जाएगा, ठीक है। देन लिखेंगे, देन देखिए एक्स नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का वैल्यू मीन्स क्या, जीरो पहले पुट करना है, तो जीरो यहाँ पे पुट करेंगे, एन की जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो ये तो टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन वन बाई सेवन तो बच गया, तो वन बाई सेवन मल्टीप्लाई विथ पाई, तो पाई बाई सेवन हो जाएगा, तो दिस इज पाई बाई सेवन प्लस आई साइन पाई बाई सेवन हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे बाई पुटिंग पुटिंग एन इक्वल टू जीरो, तो ये एक हमारा रूट निकल गया, ठीक। सेकेंड रूट निकालना है एक्स वन, तो एक्स वन, वन यहाँ पे पुट करना है, एन की जगह पे वन पुट करना है, तो वन और मल्टीप्लाई विथ टू मीन्स हो गया टू, टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बाई सेवन हो जाएगा क्या, तो थ्री पाई बाई सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे तुम कॉस लिखे ही नहीं ना, कॉस होगा इक्वल टू, देखिए कॉस, ठीक, कॉस पाई बाई सेवन होगा यहाँ पे, कॉस पाई बाई सेवन प्लस आई साइन पाई बाई सेवन, ओके, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ क्या होगा कि कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे पुट करने वाले वन, तो टू प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू थ्री पाई बाई सेवन प्लस आई साइन थ्री पाई बाई सेवन बाई पुटिंग एन इक्वल टू वन। अब क्या पुट करना है कि n इक्वल टू टू पुट करना है, तो टू यहाँ पे पुट करेंगे, टू टू फोर हो जाएगा, ठीक है, फोर प्लस वन तो फाइव बाई सेवन हो जाएगा, तो फाइव पाई बाई सेवन हो जाएगा, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, एक्स टू निकलेगा हमारा, तो कॉस फाइव पाई बाई सेवन प्लस आई साइन फाइव पाई बाई सेवन बाई पुटिंग एन इक्वल टू टू, और इसी तरह ये हम कंटिन्यू लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक। और फाइनली कहाँ तक, एक्स सिक्स तक, तो ये हमारा एक्स सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस तो हमारा रहेगा, लेकिन फाइनली जो लास्ट होगा वो हमारा हो जाएगा थर्टीन पाई बाई सेवन प्लस आई साइन थर्टीन पाई बाई सेवन बाई पुटिंग एन इक्वल टू सिक्स। तो हमारा सारा रूट्स निकल चुका है, माइनस वन टू द पावर वन बाई सेवन का रूट्स सारा निकल चुका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रूट निकल गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। देन अब हम सेकेंड देखते हैं, ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ओके, ये क्वेश्चन पूरा कम्प्लीट सॉल्व होता है यहाँ तक, ठीक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो इसका सॉल्यूशन ओके क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है ना वन प्लस आई, ठीक, वन बाई थ्री, तो वन तो यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई नहीं है क्या, जैसे हम अगर ए प्लस आई बीटा इस तरीके से लिखे, ए प्लस आई बी लिखे, वन बाई थ्री लिखे, तो नहीं होगा, ए के जगह पे क्या है हमारा, ये वन है, और बी के जगह पे क्या है, यहाँ पे भी तो वन है हमारा, ये आयोटा तो है लेकिन इमेजिनरी रूट है, ठीक है। तो इमेजिनरी तो मीन्स क्या हुआ कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या होगा, रियल नंबर होगा और इमेजिनरी नंबर होगा, तो रियल नंबर तो यहाँ पे, इमेजिनरी देखिए यहाँ पे आयोटा तो आ रहा है हमारा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई वन होगा, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, इसका वैल्यू हम खुद से लेंगे और इसका वैल्यू हम खुद से लेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस आई है, इसका कोई मीन्स मीनिंग ही नहीं हुआ, हम पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। पोलर फॉर्म मीन्स क्या होता है, पोलर फॉर्म हम बहुत बार बता चुके हैं कि पोलर फॉर्म होता है, यहाँ का वैल्यू हम लेंगे आर कॉस थीटा और यहाँ का वैल्यू लेते हैं आर साइन थीटा, ओके, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लिखेंगे लेट वन इक्वल टू क्या, आर कॉस थीटा, यहाँ का वैल्यू आर कॉस थीटा, ठीक, एंड और यहाँ का वैल्यू, यहाँ भी तो वन मल्टीप्लाई, तो वन मल्टीप्लाई विथ आई मीन्स आई हो जाता है, एंड वन यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हम लेंगे आर साइन थीटा लेंगे, ठीक, तो आर कॉस थीटा एंड वन जो हमारा रहेगा वो आर साइन थीटा रहेगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम आर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर कैसे निकल सकता है हमारा, अब आर स्क्वायर निकलता है, फिर थीटा का भी वैल्यू निकलता है, जो कि हमारा आगे यूजेस होता है पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म जब भी हम सॉल्व करना चाहेंगे पोलर फॉर्म से क्वेश्चन को, तो आर स्क्वायर का वैल्यूज निकाल के लाएंगे, और फिर क्या कि थीटा का वैल्यू निकाल के लाएंगे, क्योंकि आगे जाके वो हमारा वैल्यूज पुट आउट होगा, ठीक। तो आर स्क्वायर किस तरीके से हो सकता है, तो आर स्क्वायर देखिए यहाँ पे जो है हमारा, इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, बोथ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए क्या कि वन स्क्वायर होगा, ठीक। ये हमारा वन स्क्वायर एल एच एस, और ये भी प्लस हमारा वन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को कर लिए, ठीक। तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दिस इज टू हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर मीन्स वन वैल्यू, और वन का स्क्वायर मीन वन वैल्यू, तो टू हो गया। और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आउट करते हैं, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है वन, तो दिस इज टू इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, ओके। और आर का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमारा रहेगा रूट टू, ये जो हमारा स्क्वायरिंग है इधर जाएगा तो हमारा रूट में चेंज हो जाता है, तो रूट टू हो गया, तो आर का वैल्यू हो गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा थीटा का ही वैल्यू निकलता था ना, तो टेन थीटा से निकलता था थीटा का वैल्यू, देखिए एंड क्या टेन थीटा में से साइन बाई कॉस, तभी तो टेन होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा टर्म्स है, ठीक है, इसमें बाई करेंगे क्या ये टर्म्स, मीन्स क्या हो जाएगा कि वन इक्वल टू आर साइन थीटा, और बाई में देखिए यहाँ पे हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल आउट, और वन बाई वन मीन्स वन ही हो जाता है, तो ये हमारा वन हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा टेन थीटा, दिस इज टेन थीटा हो गया, ठीक है। टेन थीटा का जो मीन्स टेन थीटा इक्वल टू वन हो गया। अब टेन थीटा जो होता है वो वन कब होता है, तो ये हमारा पाई बाई फोर के पास होता है, ओके। पाई बाई फोर जहाँ पे हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हमारा वैल्यू वन रहता है, ओके। मीन्स थीटा की जगह पे पाई बाई फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन पाई बाई फोर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, टेन टेन कैंसिल आउट, थीटा का वैल्यू हमारे पास पाई बाई फोर निकल के आ गया, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आर का वैल्यू निकल गया और थीटा का वैल्यू निकल चुका है, ओके। तो हम लिख देते हैं इधर पे आर का जो वैल्यू निकाले हैं रूट टू, और थीटा का वैल्यू निकाले हैं वो पाई बाई फोर निकाले हुए हैं, ठीक। देन आप देखिए क्या कि यहाँ जो फॉर्मेट है उस तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसे थोड़ा सा इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए लिखेंगे सो दैट वन प्लस आयोटा का पावर क्या है वन बाई थ्री, मीन्स सिंपल क्या करना है वैल्यूज पुट आउट कर देना है, जो हम पोलर फॉर्म में लिए हुए हैं तो वो वैल्यूज पुट आउट, वन का जो यहाँ पे जो वैल्यू था वो क्या आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा रहेगा, और यहाँ का जो वैल्यू है वो हम आर साइन थीटा लिए हुए थे, अब वन बाई थ्री, ठीक। तो आर आर यहाँ से देखिए दोनों में है, मीन्स हमारा कॉमन आउट हो सकता है, तो आर हम यहाँ पे कॉमन आउट कर लेते हैं, और बचता क्या हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बचेगा, ठीक है। इसको हम ये ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हम बाहर में डालते हैं, क्योंकि जो पावर है ना वो वन बाई थ्री दोनों का है, क्योंकि ये अंदर में हमारा हॉल पावर वन बाई थ्री है, तो इसका भी पावर वन बाई थ्री होगा, और इसका भी पावर यहाँ पे वन बाई थ्री होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आर का पावर वन बाई थ्री हम बाहर लिख सकते हैं, और इसका जो पावर होगा वो वन बाई थ्री है, लेकिन क्या होता है कि थीटा जो हमारा एंगल होता है उसके साथ वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एंगल के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्या है कि थीटा है और थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो थीटा और थीटा में जैसे कि यहाँ फर्स्ट वाला में किए थे जैसे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई था, तो पाई के साथ हम क्या किए थे टू एन पाई मल्टी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं थीटा प्लस टू एन पाई हम प्लस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टू एन पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस टू एन पाई, अब इसका जो पावर वन बाई थ्री हमारा रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आठ पावर वन बाई थ्री हो गया, और पावर जो है वो मल्टीप्लाई मीन्स हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस टू एन पाई बाई में यहाँ पे थ्री प्लस आई साइन थीटा प्लस टू एन पाई बाई में यहाँ पे थ्री,
इस तरीके से हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कम्प्लीटली। ठीक, देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे 1/3 हो गया यहाँ पे। ठीक, देखिए लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ वैल्यूज पुट आउट करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 + iota और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 = r का वैल्यूज पुट आउट करना है, क्योंकि हमारा तो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, तो r का वैल्यूज हम पुट आउट करेंगे। r का वैल्यूज √2। ठीक, देखिए वहाँ पे लिखे हुए √2, तो √2 मीन्स क्या हो जाएगा, लिख देते हैं √2 ही लिखते हैं, उसका पावर क्या 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए ये थीटा, थीटा का वैल्यू जो है हमारा π/4 आया हुआ है। ठीक है, π/4 आया हुआ है, ये जीरो नहीं हमारा थीटा है, थीटा का जो वैल्यू है वो π/4 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos और थीटा के जगह पे हो जाएगा π/4 2nπ बाई में यहाँ पे 3 +i sin π/4 +2nπ और बाई में यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा सारा वैल्यूज पुट आउट कर दिए। अब देखिए क्या कि 2 जो हमारा √2 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 ओके, और यहाँ पे 1/3, क्योंकि 2 का पावर 1/2 मीन्स हमारा √2 होता है। ठीक है, तो हमारा √2 हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/6 हो जाएगा। देखिए 3 2, ये तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक, और 1 × 1 तो मीन्स 1 हो गया, तो 1/ यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक, देखिए और यहाँ पे लिख देते हैं cos क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा है 4। ठीक, π/4 है और 2nπ है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो हमारा मीन्स क्या होगा कि दो चीज़ें, दो एलिमेंट मान लीजिए, तो दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट तो एक साथ करेंगे तभी तो, मतलब एक जैसा करेंगे तब ना जाके ये हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, जो 4 होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि पाई तो हमारा रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा π/4 है और प्लस यहाँ पे 2nπ इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तभी तो हमारा वो साइड्स में मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा है 4 आएगा। ठीक, और दोनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा पाई, प्लस यहाँ पे क्या है कि 1 है मीन्स हमारा 4, तो 4 और 2 मीन्स 8nπ हो जाएगा, तो तभी जाके ये हमारा जो 4 है वो हमारा क्या डिनोमेटर में चला जाएगा, मीन्स 4 × 3 हो जाएगा, तब हमारा 2l हो जाएगा डिनोमेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 8nπ हो जाएगा, पाई प्लस 8nπ। ठीक, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस 8nπ और बाई में ये जो हमारा 4 हुआ, 4 × 3 मीन्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2l, तो ये हमारा बनेगा एंगल प्लस π प्लस 8nπ और बाई में यहाँ पे हो जाएगा 2l, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। ठीक, देन देखिए क्या कि π बोथ में है, π यहाँ पे, तो π हम कॉमन आउट कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो π हम यहाँ पे कॉमन आउट कर लेते हैं, इसे हम पूरा इरेज ही कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 + iota/(1/3) = अगर आप नेक्स्ट पेज में जा रहे तो ये जरूर लिखे, जो LHS वाला टर्म्स होता है वो जरूर लिखेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, आगे वाला जो टर्म्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर आप नहीं लिखे डायरेक्ट इक्वल टू करके दिए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक, आप किसका इक्वल मान रहे हैं, तो 1 + iota जो है (1/3), तो वो आपको लिखना कंपलसरी है नेक्स्ट पेज में। अगर फर्स्ट पेज खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 1/6 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा cos, π कॉमन आउट करेंगे तो 1 + 8n बाई में यहाँ पे 2l और ये हमारा हो जाएगा π, प्लस यहाँ पे i sin 1 + 8n बाई में यहाँ पे 2l और ये हमारा हो जाएगा π। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। देन अब क्या करना है, देखिए ये हमारा तो निकल गया क्या, रूट्स निकला, अब इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि रूट्स तो निकला, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पावर था तो क्या था, 1/3 था, मीन्स 3 रूट निकलेगा, 1/3 मीन्स 3 रूट्स निकलेगा, तो 3 रूट्स निकलेगा, तो इसी के थ्रू निकलेगा 3 रूट्स। ठीक, पुट करेंगे n की जगह पे एक बार 0, 1 और 2, तभी तो 3 रूट्स निकल जाएगा, जैसे कि वहाँ पे एक इससे पहले करवाए थे ना 7 था,
1/7, तो 7 रूट निकल रहा था 0 से लेकर 6 तक, यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 रूट निकलेगा 0 से लेकर 2 तक। ठीक, तो लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 पुट करेंगे। ठीक, देन देखिए तो द रिक्वायर रूट्स, रूट्स आर, तो रूट्स क्या क्या हो जा रहा है हमारे पास, तो रूट्स हम x नॉट से एक बार डिनोशन करते हैं, रूट्स आर देखिए x नॉट x1 और x2 कर देते हैं। ठीक है, तो x0 x0 से डिनोशन करेंगे तो 2 का पावर 1/6 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 0, मीन्स ये टर्म्स हमारा पूरा कंप्लीट 0, मीन्स पाई बाई 12 सिंपल, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई बाई 12 प्लस i sin पाई बाई 12, ये हमारा हो गया। ठीक है, एक रूट्स x1 इक्वल टू 2 का पावर 1/6, और देखिए क्या कि यहाँ पे जो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट किया, 1 यहाँ पे हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या 8 और 1 9, 9 बाई 12 हुआ। ठीक, तो 9 बाई 12 कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन आप सिंपल लिख सकते हैं cos 9 पाई बाई 12 प्लस i sin 9 पाई बाई 12, ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है ना, ये 3 टाइम्स, ये हमारा 4 टाइम्स, बट हम क्या करेंगे कि 12 12 जो हमारा डिनोमेटर है ना वो हम सेम रखेंगे, क्योंकि आगे जो प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स थ्री, ये क्या 2 का पावर 1/6, और ये हमारा हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या करना है 2 पुट आउट करना है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 16 और 1 17, दिस इज 17 पाई बाई 12 और प्लस i sin 17 पाई बाई 12। ठीक, तो ये हमारा हो गया, रूट्स निकल गया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज, तो क्या होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीनों रूट्स का मीन्स क्या होगा कि 2 2 2 2 2, बेस हमारा सेम है, तो पावर जो होता है वो हमारा एडिंग होता है। ठीक, पावर एडिंग मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 मीन्स क्या हो जाएगा 3, दिस इज 3 हो जाएगा, और बाई में क्या होगा, जो हमारा डिनोमेटर है वो तो हमारा सेम रहेगा ना, तो हमारा 6 हो जाएगा, जैसे हुआ ना 1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 6, तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट भी होगा, 1/2 हो जाएगा सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या होगा कि ये भी सारा प्रोडक्ट में है। ठीक, तो प्रोडक्ट में है मीन्स डिमोबियस का थ्रू क्या होता था, तीनों अगर प्रोडक्ट में हो, तीन चीज़ प्रोडक्ट में, तो एंगल जो हमारा होता था वो हमारा एडिंग होता था एंगल। ओके, एंगल एडिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस, जैसे हमारा होता था ना, जैसे एग्जाम्पल से मतलब कॉस, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 2π प्लस i sin 2π। ठीक, ये हमारा हो गया, और इसी के साथ मल्टीप्लाई है क्या, कॉस 3π प्लस i sin 3π, तो इसका जो वैल्यूज निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ पे कॉस 2π प्लस यहाँ पे 3π हो जाएगा। ठीक, तो 5π हो जाएगा, प्लस यहाँ पे i sin, और यहाँ पे हो जाएगा 2π प्लस 3π, मीन जो एंगल हमारा होता है वो हमारा एडिंग होता है डिमोबियस में। ठीक है, डिमोबियस थ्योरम आप देखिएगा तो हमारा एंगल एडिंग होता है, तो उसी तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, कितनों टर्म्स हो, यहाँ पे 3 टर्म्स है, मीन्स क्या हो जाएगा कॉस, और देखिए यहाँ पे पाई बाई 12 होगा, प्लस यहाँ पे 9 पाई बाई 12 होगा, और यहाँ पे 17 पाई बाई 12 होगा। अब समझ में आया कि हम डिनोमिनेटर को सेम क्यों रखें, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे 12, क्योंकि यहाँ पे 12 एलसीएम लेंगे और सिंपल यहाँ पे एडिंग हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस आई साइन पाई बाई 12 प्लस यहाँ पे 9 पाई बाई 12 प्लस यहाँ पे 17 पाई बाई 12। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, देन देखिए इक्वल टू देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे इक्वल टू क्या, 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा 1/2 हो गया, मीन्स क्या हुआ, 2 का पावर 1/2 मीन्स रूट 2 होता है वैल्यू, जस्ट इसका यूज़ किए हुए थे। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि कॉस पाई 9π 10π 10, और यहाँ पे हो जा रहा है 17, मीन्स कितना 27 हो गया, तो यहाँ पे 27 पाई बाई 12, ओके, प्लस आई साइन 27 पाई बाई 12, तो ये हो गया हमारा। ठीक,
देन देखिए इसको हम रूट टू लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको अच्छी तरीके से। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे क्या, रूट टू। ओके तो इसको रूट टू लिखेंगे और कॉस यहाँ पे जो हो रहा है कॉस, ठीक। और अब देखिए क्या कि 27 पाई बाई 12 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो कॉस हमारा हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 में, ठीक। और यहाँ पे जो है प्लस आई साइन 27, तो यहाँ पे लिखेंगे वही सेम 2 पाई प्लस पाई बाई 4 में से तोड़ सकते हैं, ठीक है। देन इक्वल टू यहाँ पर लेंगे रूट टू, और देखिए यहाँ जो इसका वैल्यूज होगा मीन्स हमारा क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 4 और पाई बाई 4 सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू रूट टू। और ये कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट टू प्लस आई होता, और यहाँ साइन पाई बाई 4 का भी वैल्यू होता है 1 बाई रूट टू, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू होगा 1 प्लस आयोटा, दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक है।